सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति कनौटियाल, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति कनौटियाल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 9 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का नेपड़ गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात करें तो चारों तरफ ना कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। दोस्तों आज ना वीडियो की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा देर से हो रही है, क्योंकि आज ना नेट बहुत स्लो चल रहा है। अभी तक ना वीडियो अपलोड की है और घर का काम किया है। सभी लोग ना नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए हैं। सास जी तो मनरेगा के काम पर चले गए हैं, ससुर जी और ज्योति ना जंगल जा रखे हैं गाय और बैल को चराने। और अब ना मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि अभी ना मेरा थोड़ा बहुत काम और भी है किचन में। और रोकी की बात करें तो रोकी भी यहाँ पे आराम से सो रखा है, लेकिन रोकी ने और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। सुबह से ना मैं वीडियो अपलोड करने पे लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी तक ना मैं छत के ऊपर जा रखी थी, तो छत के ऊपर भी ना नेट नहीं चल रहा था और नीचे भी ना नेट नहीं चल रहा था। वैसे तो हमारे गाँव में काफ़ी अच्छा नेट चलता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं चला है। तो अब रोकी को भी ना खाना देती हूँ और फूड भी खाती हूँ। बाकी दाल ना मैंने बाहर के चूल्हे पे पकाने के लिए रखी हुई है। नाश्ता तो हमने सुबह के टाइम पर बना दिया था और नाश्ता तो अंदर ही बनाया है, लेकिन जब ना धूप लग जाती है तो किचन में ना दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा धुआं लगता है, तो मैंने सोचा कि बाहर रख देती हूँ दाल पकाने के लिए। तो दाल भी पक रखी है, फटाफट से ना पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी दाल। अपन ने मैं रोटी के लिए भी रोटी कर दी है, और रोटी और दूध मैंने मिक्स कर रखी है, नहीं तो ये खाता नहीं है। दोस्तों मेरे ना रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने ना अपने लिए दाल में आलू रखी हुई है पकाने के लिए। तो आलू भी पक गए और दाल भी पक गई है, तो मैंने ना साथ में रखे हुए पकाने के लिए। मैंने बोला कि दाल भी और आलू भी ना साथ में पक जाएंगे, तो मैं अपने लिए ना खाने के लिए आलू की गुटकी बना देती हूँ। आलू तो मैंने छील लिए है, लेकिन अब ना खेत से मिर्च लाती हूँ, और प्याज काटते समय ना मेरे आंखों में मिर्च लगी बहुत ज्यादा। यहाँ पर ना मैंने इतनी मिर्च भी तोड़ दी है, तो इतनी मिर्च ना काफी होगी, क्योंकि एक मिर्च तो मैं आलू में डालूंगी और थोड़ा बहुत मिर्च ना दाल में डालूंगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना मैंने अपने लिए आलू के गुटके भी बना दिए हैं, और चूल्हे के ऊपर ना मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। आज ना हमारी राजमा की दाल है। यहाँ पर ना मेरी दाल भी अच्छी तरह से पक गई है। तो चलिए दोस्तों, मैंने लंच बना दिया है, तो थोड़ी देर में ना सासू और ससुर जी और ज्योति भी आने वाले हैं, तो तब करेंगे सभी लोग नाश्ता। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की 4 बज गई है, और अभी तो सास जी भी नहीं आए काम से, और ससुर जी ना गौशाला जा रखे है। तो मेरी तैयारी हो रही है अभी खेत में जाने की, क्योंकि वहाँ पर ना मैंने मिर्च की गुड़ाई करनी है। यहाँ से ना जो रास्ता है जाने के लिए इतना ज़्यादा टफ है, क्या ही बताना, यानी कि आराम से जाना पड़ेगा मेरे को। आ जा रोके भी ना मेरे पीछे पीछे आता रहता। और यहाँ पर ना जो हमने बेल बो रखी है ककड़ी की, वो भी ना धीरे धीरे बड़ी होने लग गई है, लेकिन अभी तक ना ककड़ी खाने के लिए नहीं हुई है। यहाँ पर ना सास जी ने कड़े टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं, तो इन पे ना कोई कोई छोटे छोटे कड़े टमाटर हो रखे हैं, जो बड़े हो रखे थे हमने परसों तोड़ दिए थे, लेकिन इन पे देखो फूल भी हो रहे हैं, और इधर भी है, और इन पे भी ना काफ़ी ज़्यादा कड़े टमाटर हो रहे हैं। तो इनकी सब्जी ना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। पहले के ज़माने में ना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे गाँव में, लेकिन अब ना किसी किसी के घरों में ये पौधे दिखते हैं।
एक ही पेड़ पे देखो कितनी सारी मिर्च लग रखी है। इधर साइड तो हमने परसों के टाइम पर कर दी थी गुड़ाई, लेकिन अभी ना इधर साइड बच रखा है। और यहाँ पर ना जो सास जी ने अरबी के पत्ते लगा रखे, यानी कि पौधे लगा रखे, ये ना 1 महीने पहले लगाए थे, आजकल देखो धीरे धीरे ना ये बड़े होने लग गए हैं। और अब फटाफट से ना गुड़ाई का काम कर देती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पर ना बिल्कुल भी काम नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है आजकल। तो शाम के टाइम पर ना अच्छा मौसम हो रखा है, यानी कि धूप नहीं लग रही है, यानी कि काम करने का मन कर रहा है। इसे गुड़ाई करती हूँ। और मिर्च के पौधों के बीच में से ना इतने बड़े बड़े कबाड़ निकल रही है, और मिट्टी भी ना काफ़ी ज़्यादा आ रही है इन पर, क्योंकि बारिश से ना ये मिट्टी पूरी गीली हो रखी है। और ये पौधे ना मेरे से बड़े हो रखे, तो कुटाई करने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कहीं पेड़ की जड़ पे कुदाल ना लग जाए, तो मेरे को ना ध्यान से कुटाई करनी पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक ना मैंने खेत की गुड़ाई भी कर दी है। अभी ना थोड़ा सा बच रखा है वहाँ तक, जहाँ तक ना ककड़ी की बेल है, औरों की भी ना उस टाइम से मेरी साथ है, और इतना ज़्यादा कबाड़ा आया है। और यहाँ पर ना एक गड्ढा है, तो मैंने यहीं पे डाल दिया पूरा कबाड़ा, औरों की निकल आया यहाँ पर गड्ढा, औरों की मेरी मदद कर रहा, और कुछ कबाड़ा ना मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना थोड़ा सा बच रखा है गुड़ाई करने के लिए, तो उसको ना कल करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं ऊपर वाली खेत में, वहाँ पर ना बहुत सारे मक्के हो रखे हैं, तो देखती हूँ जो पके हुए हैं अंदर से कि नहीं पके हुए हैं, तो एक बार ना देख के आती हूँ। दोस्तों जो ना नीचे के खेत में मक्के है वो ना काफ़ी छोटे छोटे, इन पर ना अभी फूल ही लग रहे हैं, लेकिन जो ऊपर के खेत में मक्के बो रखे हैं उन पर ना काफ़ी बड़े बड़े मक्के लग रखे हैं, तो उधर जाते हूँ देखने। इस पे देखो हमारी ककड़ी की बेल भी जा रही है, इस पे आड़ू भी लगी, लेकिन ये कच्चे है अभी। और बीच में ना हमने राजमा की बेल बो रखी है, और ये राजमा की बेल ना मक्कों पे जा रही है, ऊपर ऊपर कोई ना सूख भी रहे। और इतना ज़्यादा कबाड़ हो रखा ना इधर, क्या ये बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। ये देखिए जी कितनी मोटी मोटी मकाई हो रखी है हमारी, इसमें तो ज्यादा ही मोटी है, इसको तो देखो कितनी मोटी है ना। निकाल देती हूँ, देखती हूँ कि इसके अंदर बीज भी हो रखे खाने के लिए कि नहीं भी हो रखे। देखो कितनी मोटी है, पानी भी आ रहा है इसके अंदर से। दोस्तों ये तो बाहर से बहुत ज्यादा मोटा हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि अंदर से ना ये पक गया है, लेकिन इन पे ना अभी कम ही कम बीज आ रखे है, यानी कि 4-5 हफ्ते में ना ये हो जाएगा, तो ये मैंने बर्बाद कर दिया है, तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे खेत में ना बहुत सारे मक्के हो रखे इस बार। एक दिन ना मैंने इन दोनों खेतों की निलाई भी करनी है, क्योंकि इन दोनों खेतों में भी ना काफ़ी ज़्यादा घास हो रखी है, तो इसको भी ना घर लेके जाती हूँ, क्योंकि इसको ना गाय खाएगी। Thank you.
तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की 6 बज रही है। बाहर देखो अभी कितनी ज्यादा बारिश होने लग गई है और पहाड़ों पे ना धीरे धीरे बहुत ज्यादा कोहरा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की 6 बज गई है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय।